दोस्तों आज से पहले मैंने आपको चिकन की बहुत सारी रेसिपीज दी है, लेकिन ऐसी चिकन की रेसिपी जिसमें हमने सारी चीजें गैस बंद करके एक साथ डाली है और इसमें हमने चिकन को भुना नहीं है, हमने इसमें चिकन को उबाला है दही में और तब एकदम सॉफ्ट चिकन बनकर आया, ये आप इस वीडियो में देखना। ये रेसिपी बहुत अलग है, आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से दिखाता हूँ कैसे बनी है। मुगलाई चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 800 ग्राम चिकन लिया है। मैंने करी कट चिकन लिया है लगभग आधा किलो और उसमें मैंने 2-3 लेग पीस भी लिए हैं एक्स्ट्रा। इसमें आप सबसे पहले चिकन को अच्छे से धो लेना और मैरिनेशन में आपने डालना है, और मैरिनेशन के मसाले ध्यान देना। अदरक लहसुन का पेस्ट तो है ही, साथ साथ नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तो आप वैसे ही डालते हो। लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट है ये है दोस्तों पीली मिर्च का पाउडर। अगर ये आपको मिले तो मुगलाई चिकन में इसी का ही इस्तेमाल करना है। अगर पीली मिर्च आपको नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं, आप तेज वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, पीली मिर्च की खुशबू, उसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर खरीदनी है तो नीचे अमेज़न का मैंने लिंक दिया है, आप चाहो तो आप ले भी सकते हो। मेरी तरह अगर आप ज्यादा लेग पीस यूज कर रहे हो और मैरिनेशन के लिए सिर्फ आधे से एक घंटे के लिए रखोगे तो लेग पीस में एक कट जरूर लगा देना ताकि अंदर तक फ्लेवर जरूर जाए, नहीं तो आप 8-9 घंटे अगर मैरिनेशन में रख सकते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ पर आधे घंटे ही रखा है इसलिए कट जरूर लगा है। मुगलाई चिकन की खास बात पता है क्या है कि उसका एक मसाला बनाना होगा और वो एकदम फ्रेश मसाला होना चाहिए, तो ही उसकी ग्रेवी का अलग टेक्सचर आता है। तो आप पैन को एकदम लो फ्लेम पर रखना और पहले काली मिर्च, जीरा, 2 लौंग, एक चम्मच धनिया, साथ साथ लगभग 4-5 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं। ये है बाइगड़ी वाली लाल मिर्च, ये कम स्पाइसी होती है, कलर ज्यादा देती है। आप चाहो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मुगलाई बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, ये है चिरौंजी, लगभग 2 टेबलस्पून है। और साथ में मसाले को इवन हीट देने के लिए इस टाइम पर आप आधा चम्मच तक नमक जरूर डालना, इस मसाले को बहुत हेल्प करेगा अच्छे से भुनने में नमक। आपने यहाँ पर लगभग 5-6 मिनट पकाना है एकदम लो फ्लेम पर। आप जब रोस्ट करोगे तो इस मसाले से हल्का हल्का धुआं भी आने लग जाएगा, हाँ लेकिन रोस्ट आप अच्छे से करना, नहीं तो फ्लेवर निकल कर नहीं आएगा। ये पूरी जान है मुगलाई चिकन की। इसको मैंने निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, जब तक फटाफट से ग्रेवी की बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी में 2 ही मेन चीजें हैं, एक तो है प्याज, 4 प्याज ली है और उनके ब्राउन अनियन बनाने हैं मैंने। तो ब्राउन अनियन के लिए आप सबसे पहले रूट जरूर निकाल देना प्याज की, ताकि आप लच्छों को एकदम अलग अलग कर पाओ। एकदम फाइनली चॉप आपने करना है और चॉप करने के बाद आप ऐसे लच्छे जरूर अलग कर लेना ताकि फ्राई करने में आसानी हो। अब मैंने क्या किया कि कढ़ाई ली है, इसी कढ़ाई में मैं सारी कुकिंग करूंगा। इसमें आप लगभग 1 कप तेल डालना, ये नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है, कोई स्पेशल तेल नहीं है। इसमें सबसे पहले प्याज को आप तल लेना। देखो ब्राउन अनियन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनको हाई फ्लेम पर मत पकाना, मीडियम फ्लेम पर पकाना। और कढ़ाई में क्या होता है, स्पेसिफिकली कढ़ाई में अगर आप बना रहे हो तो कढ़ाई में जो हीट होती है ना वो हमेशा ऐसे जाती है, क्योंकि कढ़ाई का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है, तो साइड में ज्यादा आती है। तो इसलिए प्याज अगर आप ज्यादा स्टर नहीं करोगे तो साइड में ज्यादा भुन जाएंगे, ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार इसको स्टर कर रहा हूँ ताकि इवनली पका पाऊँ। जैसे ही प्याज में कलर आ जाएगा ना, जैसे ही ये देखो कलर आ गया, तो इसको ज्यादा बिल्कुल मत भूनना, फटाफट से इसको निकाल लेना और स्ट्रेन कर लेना सीधा टिश्यू पेपर पे, जल्दी से जल्दी, ज्यादा मत भूनना इसको, क्योंकि प्याज में कैरी ओवर कुकिंग भी होती है। तो जैसे ही मैंने सारे प्याज को फ्राई कर लिया है, और पेस्ट बनाने से पहले आप इनको पूरी तरीके से ठंडा होने देना, प्याज एकदम करारे होने चाहिए तभी ब्राउन अनियन पेस्ट सही से बनता है। और आप पेस्ट की बात कर रहे हैं तो जो मैंने मसाले जो भुने थे बादाम और चिरौंजी के साथ, वो पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। ये देखो मिर्ची कितनी कड़क हो गई है, तो आप इसको फटाफट से पीस लेना, एकदम फाइन पेस्ट आपने बनाना है। और इसको और फाइन करने के लिए आप इसमें दही डाल देना। इन टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है, तो उस 1 कप में से मैंने थोड़ी सी दही यहाँ पर डाल दी है ताकि पेस्ट बन जाए अच्छा खासा। ये देखो आप क्या बढ़िया पेस्ट बना है। इसी पेस्ट को आपने बाकी बची हुई दही में डाल देना है और इसको अच्छे से मिला देना है। ये हमारे दही का सपोर्टर है, क्योंकि जब आप देखोगे ना इसका कुकिंग प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा कि दही बिल्कुल भी ना फटे, इसलिए ऐसा किया गया है। अब फाइनल कुकिंग करते हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है। मैंने इतने तेल में तो नहीं बनाने वाला दोस्तों, तो मैंने तो यहाँ पर 1/2 कप तेल निकाल दिया है। और ध्यान रहे, फर्स्ट स्टेप में मेरी गैस बंद है, ऑन नहीं है। फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच आप घी डाल देना और थोड़े से खड़े मसाले डाल देना। सारे खड़े मसालों के लिंक स्क्रीन पे तो आ ही रहे हैं, साथ साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दिए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। ध्यान रहे गैस बिल्कुल ऑफ है अभी। इसमें ही आप यहाँ पर जो दही का जो मिक्सचर था मसालों के साथ, वो आप यहाँ पर डाल देना। जो मैरिनेटेड चिकन है वो आप यहाँ पर डाल देना।
गैस बंद रहे। और हाँ, अगर मिक्सी में थोड़ा सा भी मसाला रह गया है ना, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर वो भी आप यहाँ पर डाल देना। और अब आपने करनी है गैस ऑन, सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद। और अब इसको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, बहुत आराम से। और अब देखना चिकन का टेक्सचर ही अलग आएगा। अगर आपका चिकन हार्ड हो जाता है ना, तो इस रेसिपी में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हमने इसमें एक चीज अभी नहीं डाली, वो है ब्राउन अनियन का पेस्ट। वो हम बाद में डालेंगे, जब दही अच्छे से पक जाएगी तो ही आप डालना। अभी अब क्या करना कि आप 2 से 3 मिनट चिकन को पकाना खुले में। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप यहाँ पर ढक्कन लगा देना, और आपने इन टोटल 20 मिनट तक पकाना है चिकन को, वो भी एकदम लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला, तो चिकन की सिचुएशन ये है, अभी चिकन गला नहीं है और ना ही दही पूरी तरीके से पक गई है। लेकिन मैंने इसलिए खोला है ताकि ऐसा ना हो कि कढ़ाई के नीचे चिकन जल जाए। अब इसको एक बार स्टर जरूर कर देना। अब 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर फिर से इसको खोला है और एक बारी फिर से चला लिया है ताकि चिकन जले बिल्कुल भी ना। और फिर 20वें मिनट पे, यानी कि 5 मिनट और बाद, अब आप देखो चिकन पूरी तरीके से पक चुका है और दही भी अच्छे से पक चुकी है, हल्का हल्का तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। तो बस इस स्टेज पर आपने यहाँ पर डालना है ब्राउन अनियन का पेस्ट। इसको पहले अच्छे से मिला देना और फिर बाकी चीज़ें डालते हैं एंड की, जैसे कि अदरक के लच्छे। 3 मैंने हरी मिर्चें डाली है यहाँ पर स्लिट करके। साथ साथ आप यहाँ पर गरम मसाला डालना और कसूरी मेथी आप यहाँ पर डालना। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिलानी है और इसको आप 2 से 3 मिनट तक ढककर एकदम लो फ्लेम पर और पकने देना। अब 2 से 3 मिनट के बाद आप ये देखो चिकन बन के पूरा तैयार है, पूरा सेट है ये चिकन। अब आपने क्या करना है कि अब आपने थोड़ी सेटिंग करनी है। जैसे मुझे ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया है थोड़ा सा पानी डालकर। और एंड की चीज़ जो मैंने यहाँ पर डाली है वो है थोड़ा सा केवड़ा वाटर, बहुत जरूरी है दोस्तों। केवड़ा वाटर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो बहुत इन्हांस करती है। मैं आपको बोलूंगा कि घर पर जरूर रखना केवड़ा वाटर, बहुत काम आता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ढक्कन लगाया है और गैस को बंद कर दिया है ताकि मेरी ग्रेवी पूरी सेट हो जाए, चिकन भी पूरा सेट हो जाए। और 5 मिनट के लिए ऐसे ही मैंने चिकन को छोड़ दिया है। और अब 5 मिनट के बाद ये देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों, मुगलाई चिकन। इसकी ग्रेवी दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि फ्रेश मसाले को पीस कर बनी है। और सीरियसली चिकन की बात करूँ तो आप ये देखो कितना सॉफ्ट है, अंदर तक अच्छे से पका हुआ है और अंदर तक इसके फ्लेवर है। आप दोस्तों इसको बना कर देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगा ये।